हंसी आने की वजह से ओके बेटा, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपकी फंडल बोर्ड की मैट्रिक केमिस्ट्री में निकल आए बेटा, मैट्रिक की केमिस्ट्री में अगर आप आएंगे तो पेज नंबर 132, ठीक है, पेज 132 अगर हम आए थोड़ा सा, ठीक है, 132 पर, ठीक है, पेज 132, पेज नंबर 1, न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है बेटा। ठीक है बेटा, आप अपने आप को बैक साइड से म्यूट कर लेता कि आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक जो आ रहे भाई ना बजे, वरना मैं सबको म्यूट कर दूंगा, फिर किसी की भी नहीं आएगी। चले, आपको इसलिए आप अपॉर्चुनिटी भी दी हुई है कि बेटा आप लोग थोड़ा सा अपने आप को, ठीक है बेटा। बहुत इजी सा टॉपिक है बेटा, न्यूक्लिक एसिड, इसी को आज हमने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, कि आज से कोई 100 ईयर्स बैक अगर हम इसकी याद करें तो 100 ईयर्स पहले, ठीक है, बहुत 100 साल पहले स्विट्जरलैंड का एक साइंटिस्ट है, ठीक है, स्विस साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसको बायोकेमिस्ट भी कहते हैं, स्विस बायोकेमिस्ट था। स्विस बायोकेमिस्ट, ठीक है, डिस्कवर्ड उसने किया था, उसने डिस्कवरी की थी ना, उसकी जो डिस्कवरी है हम उसी पे डिस्कस करते हैं। उसने एक डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी की थी, क्या डिस्कवर किया था बेटा, उसने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डिस्कवर किए थे। नाइट्रोजन कंटेनिंग एक कंपाउंड उसने डिस्कवर किया था, उस कंपाउंड का नाम उसने बाद में रखा था, लेकिन उसने कैसे डिस्कवर किया था ये समझने वाली चीज है बेटा, ठीक है। उसने ये कहाँ से किया था ये हम अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये उसने बेटा डिस्कवर किया था, इसमें से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, उसने ये डिस्कवर किया था इन्हें पस ऑफ इन्फेक्टेड वाउंड में से, ही डिस्कवर्ड, ये बहुत जरूरी है पता भी चले, ही डिस्कवर्ड, इसके न्यूक्लिक एसिड उसने कहाँ से डिस्कवर किया था, उसने न्यूक्लिक एसिड पस ऑफ वाउंड से किया था, पीप में से किया था, किसी भी जख्म के पीप में से उसने ये, उर्दू में पीप भी कहते हैं, उसमें से डिस्कवर किया था, ठीक है। और वो ही नेम्ड इट न्यूक्लिक एसिड, ही नेम्ड इट न्यूक्लिक एसिड, कारण है उसने उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया, ठीक है। ओके बेटा, इसी तरह अगर हम आगे चले, अब ये है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा लेते हैं कि बेटा ये इम्पोर्टेंट इस तरह है ना कि बेटा इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा, कि ये इम्पोर्टेंस की अगर हम बात की जाए, ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बेटा ये वाइटल कंपोनेंट ऑफ ऑल लाइफ के लिए है, इट इज अ वाइटल कंपोनेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बेसिक कंपोनेंट है,
ठीक है बेटा, लिविंग कंपोनेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जितने भी लिविंग लोग होते हैं, जितने भी चीजें, जितने भी लिविंग वस्तु हैं, जरूरी है। या आप ये सिंपल सिंपल इसको ये कह सकते हैं कि दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज जिंदा है उसके अंदर पाया जाता है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, ये भी हमने बता दिया। काम क्या करता है बेटा, इसके और भी इंपॉर्टेंस देख ले बेटा, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कि इट सर्व्स, ये क्या करता है, सर्व्स एज इंफॉर्मेशन, इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन इंसान से रिलेटेड, जानवर से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, ठीक है, एंड कंट्रोल, और कंट्रोल भी करता है, ठीक है, एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ, ये कंट्रोल सेंटर्स का मतलब क्या होता है, जिस तरह आर्मी का जीएचक्यू होता है, इस तरह हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है सेल के अंदर होता है, ठीक है, ऑफ सेल्स, कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल सेल्स, तमाम सेल्स जो है ना वो न्यूक्लिक एसिड से कंट्रोल होता है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि सेल इज कंट्रोल्ड बाय, नोट में लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे कि सेल इज totally controlled by, is controlled by nucleic acid. Cell nucleic acid से ही control होता है। अच्छा, होता क्या है nucleic acid बेटा, अगर आपसे पूछा जाए तो nucleic acid basically इसका जो काम है वो क्या चीज होती है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली बेटा आपके पास लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात अगर की जाए तो दे आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, ठीक है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, और बने किससे होते हैं, मेड अप ऑफ, ये जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं ये मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किस चीज से बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनाते हैं, और हर न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना बेटा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, वो थ्री कंपोनेंट से बना होता है, वो थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, नंबर वन, एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, उसको नाइट्रोजन बेस कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है कि नाइट्रोजन बेस, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, अब पेंटोज शुगर, आप पेंटोज शुगर, ऐसा पेंटोज शुगर, ठीक है, ओ है, ठीक है, पेंटोज शुगर यानी ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जिसके पांच कॉर्नर होते हैं, और या छह भी हो सकता है, पांच कॉर्नर वाले कहते हैं। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट है, फास्फेट ग्रुप, एक फास्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। तो कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, उसके अंदर लंबे लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं, उस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, उस न्यूक्लियोटाइड के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, दिस इज कंपोनेंट नंबर वन, दिस कंपोनेंट नंबर टू, और दिस इज कंपोनेंट नंबर थ्री, ठीक है। ये अगर आप बुक में आएंगे बेटा, तो बुक पे भी पेज नंबर अगर आप देखेंगे, मैम 132 पर होता है, ये डिटेल में है आपकी बुक में, ये गिवन है सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके टाइप्स पे जब आते हैं, ठीक है बेटा, तो हम किसी के टाइप पे भी आ जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो इसकी टाइप्स है बेटा, ये है हमारे पास दो तीन तरह की होती है, लेकिन हमने जो पढ़नी है हमारे सिलेबस में, हमने उसी को देखना है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो टाइप्स है बेटा, ठीक है, नाम से हम हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो टू टाइप्स है, ठीक है, टू टाइप्स है। वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, एक जो पहला है उसी में अगर हम डिस्कस कर लेंगे, पहला जो टाइप है बेटा वो हमारे पास है, उसका नाम है डीएनए और आरएनए, ठीक है, एक का नाम डीएनए है और एक का नाम आरएनए। डीएनए जो होता है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड
इसी तरह बेटा आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसकी दो टाइप्स होती है न्यूक्लिक एसिड की, एक डीएनए और एक आरएनए। तो डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये लिखा हुआ मैंने नाम, और दूसरे का नाम क्या है बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये दो इसकी टाइप्स है जो जरूरी है। ठीक है, अच्छा इसी तरह, अच्छा अब देखो डीएनए जो काम करता है बेटा, डीएनए जिसको हम डीएनए अभी कहते हैं, डीएनए का मेन काम क्या होता है बेटा, देखिए जरा डीएनए हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बहुत होगा डिटेल में, लेकिन इसका मेन फंक्शन हमने बाद में पढ़ना है, लेकिन पहले हम ये पढ़ेंगे डीएनए जो होता है इट कैन स्टोर ये क्या करता है, स्टोर कर सकता है क्या, एंड ट्रांसमिट, और ये क्या करता है, स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ट्रांसमिट क्या है, ऑल जेनेटिक मटीरियल, यानी अगर फादर से तमाम क्वालिटियां, फादर से ऑफ स्प्रिंग जो होता है, जितने भी बच्चे होते हैं ना उनके अंदर ये ट्रांसफर करती है। मसलन अगर वालिद खूबसूरत है तो बच्चा भी खूबसूरत होगा, वालिद गुस्से वाला है तो बच्चा भी गुस्से वाला होता है। ठीक है, वालिद का कद बहुत लंबा होता है तो बच्चे का कद भी लंबा होता है, तो ये क्वालिटी ट्रांसफर होती है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो डीएनए जो होता है ना, डीएनए दो काम करता है, डीएनए, ठीक है, डीएनए एक तो स्टोर करता है आपके पास, यानी एक तो स्टोर करता है क्या, तमाम जेनेटिक मटेरियल्स को, जेनेटिक मटेरियल्स जितनी भी खसूसियात होती है ना मटेरियल्स, उसको स्टोर करता है, और दूसरा काम क्या करता है बेटा, वो ट्रांसमिट भी करता है, नस्ल दर नस्ल से ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट जेनेटिक मटेरियल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का मेन काम ये है, बस ये जो मैंने आपको बता दिया, दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन है डीएनए का। ठीक है, बेसिक काम बस यही होता है। इसी तरह आगे जाए बेटा, आगे हम देखेंगे, ठीक है, इसी तरह भी देखें ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो था, डीएनए का जो स्ट्रक्चर था, ये डिस्कवर्ड किया था, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप देख लेना वहां से बेटा, डिस्कवर्ड किसने किया था, ये एक साइंटिस्ट थे दो, वाटसन एंड क्रिक, तो पूरा नाम इसका अगर नाम लिखने से अच्छा है कि उसका शॉर्ट है, वाटसन एंड क्रिक, CRICK, क्रिक मॉडल, इसको वाटसन एंड क्रिक कहते हैं, ये उन्होंने डिस्कवर किया था 1953 के अंदर। ठीक है, और इन्हीं को 1962 या 63 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, वन द नोबेल प्राइज। ठीक है, वन नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज है ना वो भी इन्हों को इस क्वालिटी की वजह से, इन्होंने डिस्कवर किया था इस वजह से इसको इस क्वालिटी में 1962 में नोबेल प्राइज भी इन्होंने। कैंसर की जितनी भी स्टडीज होती है ना, कैंसर नोट में लिख देता हूँ, नोट में, कैंसर जो डिजीज है, ठीक है, कैंसर जो बोल, इनकी जितने भी रिसर्चेज होते हैं ना, रिसर्चेज, ठीक है, ये जितने भी होते हैं ना, इट इन्वॉल्व्स, उसके अंदर जो स्टडी होती है ना, इन्वॉल्व स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को ही स्टडी करते हैं कैंसर के अंदर। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, कोई क्वेश्चन अभी तक आपके जहन में है तो बताएं, नहीं है, हेलो, ओके बेटा, अब हम आते हैं आगे टॉपिक पे, आते हैं हमारे से आगे यही टॉपिक, अगर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं जी।
अब हम इसी से जो इम्पोर्टेंट है वो हम डीएनए को डिटेल में पढ़ना है। हमने डीएनए को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। डीएनए, अब डीएनए बेटा क्या होता है कि ये एग्जिस्ट करता है ना, डीएनए जो होता है ये एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंड, ठीक है, या टू स्ट्रैंड कहते हैं, टू स्ट्रैंड, ठीक है, डबल स्ट्रैंड में होता है, ट्विस्टेड अराउंड इटसेल्फ, ट्विस्टेड अराउंड इटसेल्फ। यानी देखें ये ऐसे, ये एक स्टैंड है, ठीक है बेटा, दूसरा स्टैंड इसका अपोजिट होता है ऐसे, ये तो ये स्टैंड वन है, ठीक है, और ये स्टैंड टू है, ट्विस्टेड होता है ऐसे, ये डीएनए की शक्ल होती है, ठीक है, डीएनए की ये एक शेप है, डिटेल में हम करेंगे जब हम आगे जाएंगे, लेकिन यहां तक इसकी ये शेप है, ठीक है। आगे चले जाते हैं इसी से, ये तो इसको हमने कह दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, आप ये कह सकते हैं कि ईच स्ट्रैंड हर एक स्ट्रैंड के अंदर क्या होता है, ईच स्ट्रैंड कंटेन्स, अब इसके अंदर क्या चीजें मौजूद होती हैं, यानी ये एक स्ट्रैंड है, नहीं होना, इसके अंदर क्या होता है, ईच स्ट्रैंड कंटेन, अब इसके अंदर क्या होता है, या तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, तीन चीजों से होता है अभी जो ने बताया, या तो मैंने अभी बताया डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, दूसरा क्या होता है, अभी हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, दूसरा क्या होता है कि फास्फेट यूनिट हो सकता है, फास्फेट यूनिट होता है, और तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, ये चीजें होती है। तो आपके पास ये तीन चीजें हैं जो एक डीएनए आपको, यानी आपको आपके साथ ये एक डिस्कस करने के लिए है, ठीक है बेटा जी। तो ये है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है बेटा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम मजीद हम इसको देख भी लें, ठीक है जी बेटा। कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं बेटा। ओ सर नो, क्लियर है? यस सर। अच्छा अच्छा बिल्कुल, इसी तरह इसी को मैं एक मिनट आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, एक पिक्चर वगैरह शेयर कर लेते हैं, फिर उसी पे आएंगे हम थोड़ा सा देखें। एक मिनट मैं कहाँ चला गया, यहाँ से मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, एक मिनट बेटा, आपके साथ मैं एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, उसी को चेक कर ले, ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है बेटा, ये वाला, हेलो बेटा, आपके पास ये आपको नजर आ रहा है डीएनए? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, ये जो हमने स्टैंड बनाया था ऐसे डबल, देखे ऐसे, ठीक है, तो ये स्टैंड यहाँ पर ऐसे होता है, ये देखे, ये असल में दूर से ऐसे नजर आता है, तो अगर आप गौर से देखें ना, तो ये एक स्टैंड है, देखो ये नजर आ रही है लाइन, ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, ये इसने जूम किया हुआ है, ठीक है, दूसरी लाइन जो है ना, देखो ये नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली, इस तरह स्टैंड होती है, और एक स्टैंड के अंदर देखो, ये स्टैंड जो नजर आ रहा है ना, देखो ये वाला स्टैंड, ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, ये देखो, इसके अंदर एक तो ये जो व्हाइट कलर के छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये देखो ये वाले, ये हाइड्रोजन है, जो रेड कलर के इसमें नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है, ऑक्सीजन है, जो पर्पल कलर के, ये कौन सा कलर, पर्पल कलर जो है ना, ये क्या है, नाइट्रोजन है, और जो आपको ये शेडेड कलर नजर का बने हुए, येलो आपके पास फॉस्फेट है, तो इसका मतलब ये होता है कि और से लेकर एक तो फॉस्फेट यूनिट आपके पास होता है, एक नाइट्रोजन होता है, और कार्बन ऑक्सीजन और ये सारा न्यूक्लिक, यानी एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है, ठीक है। इसको एक और तरह भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक मिनट, अगर ये समझ नहीं है, मैं आपको एक और भी बता देता हूँ एक मिनट, एक और डायग्राम भी इसी से रिलेटेड है, वो भी सेम ही ऐसा ही है, ठीक है, इसी से अगर हम गौर से इसको देखेंगे ना, एक मिनट, एक पिक्चर और भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ,
दो तीन पिक्चर रखी होगी ना तो आपको समझ आ जाएगा कि डीएनए बेसिकली होता क्या है। एक मिनट ये देख ले, एक मिनट ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक और पिक्चर ये वाला बेटा, आपको ये एक और पिक्चर नजर आ रही बेटा, ये देखें, ये देखिए बेटा, आपको एक और पिक्चर में करवा देता हूँ। ये देखिए, ये इसी डीएनए है, डीएनए की एक और शेप भी है। देखिए बेटा, आप गौर से देखिए, इस डीएनए के अंदर अगर आप देखें, ठीक है, इस डीएनए में देखिए बेटा, ये जो स्टैंड है ना, ये सिंगल स्टैंड, इसको स्टैंड कहते हैं, सिंगल स्टैंड, ये सिंगल स्टैंड ये है, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, और ये इसका दूसरा स्टैंड है, ये भी सिंगल स्टैंड है। अभी आपस में ट्विस्टेड होते हैं, ये ट्विस्टेड होते हैं, ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब गौर से देखे बेटा, देखो इस स्टैंड के अंदर, इसको अगर हमने जूम किया, देखो इसको आप जूम करेंगे ना तो आपको ये नजर आएगा, देखिए एक फास्फेट है, एक शुगर है, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर। देखो न्यूक्लिक एसिड के अंदर तीन चीज होती है, एक फास्फेट होता है, एक क्या होता है, शुगर होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है। तो देखो ये जो दीवार होती है ना, दीवार ये तो इन चीजें से बनी होती है, फास्फेट और शुगर से, लेकिन दो दीवार आपस में जो मिले होते हैं ना, ये नाइट्रोजन बेस होती है, ए टी जी सी जो है ना, ए टी जी और सी, एडिनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन, ये इसके नाम है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, इसी को हम अगर हम देख लें ना, बस असल में आपने बस ये याद रखना है कि जो साइडें दीवार की बनी हुई है, ये फास्फेट और ये बनी हुई है, ए टी जी सी टी ए, ठीक है, और ए टी, ये दोनों इस तरह बनी होती है, ठीक है। तो आपने ये इस तरह समझना है। जैसे अभी मैं आपको दोबारा बैक ले जाता हूँ, ठीक है, अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो ये तो खैर हमने पढ़ लिया था, ये टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी हम वापस अपने बोर्ड पे चले जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ से। जी बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया, तो एक जो डीएनए होता है ना, यानी एक डीएनए जो होता है ना, ये डबल स्टैंड होता है, ठीक है। यानी अगर आप उसकी दीवार को देख ले बेटा, तो उसकी जो दीवार होती है ना, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये वाला एक दीवार। तो ये जो दीवार होती है ना, इसके अंदर तीन चीज होती है, या तो इनके दरमियान लाइनें होती है, इनकी दीवार बेटा लाइनें होती है, ऐसे लाइनें, ठीक है, लाइनी जो बॉन्ड्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो दीवार होती है ना, ये किसकी बना होती है, फास्फेट का बना होता है, शुगर का होता है, और ये फास्फेट शुगर का बना होता है। इस तरह ये दीवार किस चीज की बनी होती है, फास्फेट और शुगर का बना होता है। और जो दीवारें है ना, ये दीवार है, ये नाइट्रोजनी बेस का होता है, जैसे AG होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और AT होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। यानी A का मतलब होता है एडिनिन या एडिनाइन, G का मतलब है गवानिन, ठीक है, C का मतलब साइटोसिन होता है, और A का मतलब अब कौन सा रहेगा, गवानिन, थायमिन, T का मतलब होता है थायमिन, ठीक है। तो ये सारी नाइट्रोजन ही बेस है जो इनको बाहर जोड़ के रखती है, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस होती है। ये आपकी बुक में अगर आप डायग्राम देखेंगे वहां पर भी बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने और इसके साथ अगर यही करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके साथ क्या करें, आप इसी के साथ ये पिक्चर भी शेयर कर लें, कोई बात नहीं, ये वाली कर लें, या ये पिक्चर भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बेटा आप ग्रुप में भेज देंगे? हाँ हाँ, मेरे पास ये लेक्चर वैसे भी रिकॉर्डेड होता है, मैं आपके पास भिजवा दूंगा, ठीक है बेटा। सर ये जाइट बोर्ड का जो लिख के वो भेज दे रहा। अच्छा ठीक है, भेज देता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बेटा, ये जो आपके साथ ये पिक्चर शेयर कर लेता हूँ, ये वैसे भी जब आप रिकॉर्डिंग इसकी देखेंगे ना तो आपके पास पता चल जाएगा इसके, ठीक है बेटा। मैं यहाँ से एक मिनट थोड़ा सा मुझे ये, ठीक है जी, अब आपको शेयर करवा के दे रहा हूँ बेटा। देखें आपके पास शेयर हो रहे हैं ना, ये वाले पिक्चर डीएनए वाला, ये नजर आ रहा है आपको बेटा? हेलो, यस सर। ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, ये जो
डीएनए ये वाला, ये डायग्राम, ये डबल स्टैंड है बेटा, ये दरम्यान में जो डंडे नजर आ रहे हैं ना, ये ए जी, देखो ए टी जी सी ए टी टी ए, ये इस तरह होता है। यानी एक अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना बेटा, गौर से देखिए बेटा यहाँ से, अगर आप देखें, देखिए बेटा यहाँ से देखिए, ये जो दीवार है ना, दीवार जो ना, ये वाली दीवार है, ये तीन चीजों से बनी होती है, ठीक है। एक तो फास्फेट शुगर है, एक शुगर है, एक फास्फेट ग्रुप एक शुगर है, और फिर ये हर शुगर टच होता है किससे, शुगर टच होता है या तो ए से होगा, ठीक है, या तो ए से होगा या जी से होगा या टी से होगा, जो भी होगा, तो ये इसमें से टच है, देखो यहाँ से इसके साथ टच टच है, ठीक है। यानी दीवार बनी है फास्फोरस, पी फास्फोरस, एस पर शुगर, फास्फोरस शुगर, और जो शुगर है ना ये पांच कोने वाला है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसको पेंटोस कहते हैं, पांच कोने वाला। और फास्फेट जो होता है ना, यानी मैं आपको अगर इसको जूम उस पे जाइट बोर्ड पे बनाऊंगा ना, तो ये कैसे बनेगा देखिए जरा, मैं आपको इसको जाइट बोर्ड पे अगर बनाऊंगा, एक मिनट में आपको, एक मिनट कहाँ पे, कहाँ चला गया जाइट बोर्ड, चला गया, एक मिनट जी, ये मैं आपको शेयर करवाता हूँ आपके साथ, ठीक है। ये आपको अभी मैं डायग्राम, ये बेटा ये देख लें, अभी आपको मैं ये डायग्राम, ये आपके बोर्ड शो रहे, इसमें मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ कि ये कैसे हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। ये देखो मैं आपको एक बना के दे देता हूँ ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप इसको खुद भी ड्रॉ कर सके, ठीक है। ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि अब देखिए मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप एक स्टैंड बनाते हैं ना, ये स्टैंड, बड़ा सा स्टैंड, ठीक है, तो ये जो स्टैंड है ना ये वाला, इसको जब आप जूम करेंगे ना बेटा, जूम, इसको जब आप जूम करेंगे, ठीक है, जूम, तो इसमें आपके पास क्या होता है, एक तो यानी इस दीवार को जब जूम करेंगे ना, तो ये दीवार आपको ऐसे नजर आएगी ये वाली, ठीक है। और इस जूम के अंदर आपने देखो एक फास्फोरस होता है, ये शुगर का ग्रुप है, पांच कोने वाला होता है, ऐसे इसको कहते हैं, और इसके यहाँ पे एक फास्फोरस अटैच होता है, ये इसको फास्फोरस पेंटोस के शुगर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह एक एक ग्रुप है, इसको शुगर या फास्फेट, और ये दरमियान में जो लाइनें नजर आती है तीन, ये अंदर नाइट्रोजन ही बेस होते हैं, ये जो है ना ये नाइट्रोजन ही बेस होते हैं, इसके नाइट्रोजन बेस कौन कौन सी होती है, थायमिन और एडिनिन होती है, ठीक है, और गवानीन और साइटोसिन होते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड होती है और ट्रिपल बॉन्ड, टी ए भी होती है और ए टी भी होती है, ये भी देख लेना, ठीक है। इसी तरह जी सी है तो सी जी भी है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को ये जो बॉन्ड होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एच बी स्टैंड फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस लाइन को जब भी हम लिखेंगे डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और तीन बॉन्ड अगर होंगे तो ऐसे एक दो और तीन, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह अगर डबल बॉन्ड होगा तो इस तरह डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटा। सर आज वाला जो टेस्ट है बायोकेमिस्ट्री का, उसमें से ये वाला जो आपने आज पढ़ा है वो भी इंक्लूड होगा? आज बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है तो यही होगा, जाहिर बात है इसमें तो मुश्किल तो नहीं है या नहीं सर? आज भी लिंक आएगा? नहीं, लिंक से नहीं आएगा बेटा, लिंक से नहीं आएगा, मैं आज पेपर बना के दूंगा, क्योंकि लिंक से आप लोग गायब हो जाते हैं, बच्चे फिर सेंड नहीं करते आधा घंटा उनको लिंक से। यस सर, यस मैं पेपर बना के भेजूंगा, ठीक है बेटा। सर वो पिछली दफा भी एक दफा खोला, दूसरी दफा चेंज, हाँ, इसलिए कहता हूँ आप इस कोशिश करें, मैं पेपर थोड़ा लेट भेजवाऊंगा, 4:30 भेजवाऊंगा, और लेट आप 9 बजे, ठीक है सर? 4:30 सर, यही क्या, ठीक है, मतलब है कि 3:30 के बाद ही करवाओ, क्योंकि पहले आप किसी और के भी पेपर आता है ना बेटा, यस कंप्यूटर के, हाँ, बस आपने 9 बजे से पहले पहले मुझे सबमिट करवाना है, ठीक है बेटा? यस सर, ठीक है बेटा, 9 बजे से पहले, 8-9 से पहले करवा दो, ठीक है बेटा?
नो बजे सर, सर क्या हो गया सर, नो कर दो, बेशक 4 बजे कर दो, 5 बजे कर दो, 6 बजे कर दो, 7 बजे कर दो सर, मैं कल करूंगा।